अरे दम से गिर दे यार, मैं बैठा रहा मैं। अच्छा जी, कब से गाड़ी आई? टोक छोड़ गई। अरे अभी तो गाड़ी आई है, कैब अंदर होगा। गाड़ी नवी है ना? हाँ, अरे नई गाड़ी में टूप में दाग देनी पड़ती है। इसमें रिकॉर्डिंग हुआ था, अगर हम और वो करवा देते ना, 3 महीने और चला देते, खत्म हो जाते तो टायर भी लूर। अच्छा जी, हाँ निमट जाते तो टायर में देखो तो ढाई गाड़ी आई थी, ढाई महीने में इसमें आपकी गाड़ी का हमने 12 टन 12.5 टन की वजन नहीं भरा, 12 टन वजन भरे। टायर देखो आप कैसे हो गए, टायर आगे पीछे के कितने खत्म टायर हो गए, कंधे गिर गए। टूप होने के बाद बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक हो। और अगले के तो टूप नहीं होगी, अगले के तो टाइम नहीं रहा, उठे ना अगली लाइन करनी है जी। अगली लाइन होने के बाद हो जाएगी, उसे तो कोई दिक्कत नहीं और कुछ करने की ना, ना कोई। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। जैसे कि हर रोज की तरह हर रोज गाड़ी कोई ना कोई आती रहती है, जिसमें कुछ ना कुछ पंगा हो जा रहता है, आपको पता ही है। मैं तुम्हारा भाई सग्गू मुजफ्फरनगर से, आज हम ये लेके आए हैं ट्यूब। ये कैंटर गाड़ी की ट्यूब है जो कि गाड़ी में लगी हुई है, अभी फिट है। और दूसरी बात, ये कभी खुली नहीं है। क्यों नहीं खुली? क्योंकि गाड़ी को अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, नई गाड़ी है। कस्टमर बता रहा है कि 2-3 महीने गाड़ी को हुए हैं और टायर इतने खा गई है और टायर इतने ख़राब हो गए हैं इसके, वो पूछो ही मत। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास आए हैं, किसी ने बताया उन्हें कि वहाँ चले जाइए, कंपनी वाले ने या किसी ने बताया होगा, तो हमारे पास आए हैं ये। तो उन्होंने चेक करवाई ट्यूब, तो देखा ट्यूब उल्टी है, ट्यूब में दाब आएगी। अब दाब आने के बाद जाके ट्यूब में काम होगा, फिर दाब आके इसमें फ़र्क दिया जाएगा। तो बने रहे वीडियो के साथ, देखो किस तरीके से आज हम ये ट्यूब खोलेंगे और किस तरीके से ये ट्यूब में दाब देंगे। तो भाइयों, जैसे कि ये काम कर रहे थे, दूसरी गाड़ी भी हमारे पास आई है। अभी ये ट्रॉली है जिसमें डंडे में दाब दी जाएगी, डंडा खोल लिया गया है, उसके हब तबे वगैरह उतार लिए गए हैं। और इस गाड़ी में क्या है, डंडे में दाब आएगी, ये जो है कम दबा हुआ है। और जैसे कि अब देखेंगे हम इसे डंडे को खोल के और अंदर लेके जाएंगे और अंदर ले जाके इसमें दाब देंगे। तो बने रहे वीडियो में, देखिए किस तरीके से हम खोलते हैं।
और अभी उधर से खींच लिया। तो जैसे कि डंडा बाहर पहुंचने, तो आप सब देख रहे होंगे किस तरीके से डंडा हम बाहर लेके कर गए और डंडे को अब किस तरीके से टांगा जाएगा। तो बने रहे वीडियो के साथ, पूरी वीडियो आप देख रहे होंगे जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आप सब देख रहे होंगे, और इस वीडियो को देखकर आप ये भी बताना कि किस तरीके से हमारा काम है, कैसा है, कमेंट में बताना। और डंडे को हमने पहले इसलिए दबा दिया था क्योंकि पहले ही खुल गया था, जो कि बराबर में टोप थी, टोप अभी खुल रही है, तो उसे इसलिए हमने बाद में दबाने की सोची। तो जैसे कि अब ये डंडा दब चुका है और फिट भी हो चुका है, रकाबें डल चुकी हैं इसमें। और तो भाइयों अब हम ट्यूब की तरफ आ जाते हैं। अब ट्यूब को हमने खोलना है गाड़ी में से, जो कि ट्यूब हमने खोल ली है और जैक उतार दिया, ट्यूब नीचे उतर गई है, रेडी दोबारा फेंस के इसे बाहर ले जाएंगे। आप देख पाएंगे किस तरीके से हम इसे बाहर लेकर जा रहे हैं और ये ट्यूब हमारी अंदर पहुँचने वाली है। धक्का मैंने लगा दिया है, इसे धक्का लगा कर अंदर पहुँचा दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से अंदर हमने इसे पहुँचा दिया है। अब ट्यूब को टांगना है और हमें इसमें दाब देनी है प्रेस में, देखेंगे आप किस तरीके से दाब दी जा रही है इसमें फटाफट। और भी कई काम चलते रहते हैं इसमें, मतलब हमारे इसमें शॉप में कई प्रकार के काम चलते रहते हैं। अब ये नहीं है खाली एक ही गाड़ी आ गई तो एक ही गाड़ी में लगे हुए रहेंगे हम, तो इसमें ऐसा नहीं होता। तो कई कस्टमर आते हैं, कईयों में होता है, कुछ कह नहीं सकते कि डिपेंड करता है, जैसे जैसे ग्राहक आते रहते हैं वैसे वैसे काम पकड़ते रहते हैं। तो इसी वजह से जैसे अब आपने देखा होगा ये ट्यूब है, उधर वेल्डिंग भी चल रहा है, ऐसे काम अलग अलग कस्टमर अलग अलग काम करवाने के लिए आते रहते हैं हमारे पास। तो जैसे कि ट्यूब में दाब दी जाएगी, आप देखेंगे। दोस्तों आपने ये देखा ट्यूब किस तरीके से फिट करी गई है और इसमें हमने किस तरीके से दाब दी गई है। और अगर आप ऐसी सी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरी शॉप जो है मुजफ्फरनगर में है, आपको मुझसे संपर्क करना हो तो मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके भी आ सकते हैं, कोई काम करवाना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर ज़रूर।